आज आईपीएल 2021 में डबल धमाल देखने को मिलेगा, यानी एक दिन में दो मुकाबले खेले जाएंगे। एक तरफ जहां चेन्नई और पंजाब की टीमें भिड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच शाम 7:30 बजे से शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यह आईपीएल 14 लीग का आखिरी मुकाबला होगा। ऐसे में कोलकाता और राजस्थान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, देखिए इस वीडियो में। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में आज डबल हेडर मैच खेले जा रहे हैं। आज दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो गई है। केकेआर की बात करें तो वो इस समय 13 में से 6 मैच जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। उसने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था। यूएई लेग में केकेआर ने 6 मैच में से 4 मैच जीते थे। केकेआर की बात करें तो वो शायद ही आज अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकती है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11, शुभमन गिल, वेंकटेश्वर अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, सुनील नारायण, टिम साउदी, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वो इस मैच में अपने प्लेइंग 11 में एक बदलाव कर सकती है। राजस्थान ने आईपीएल 14 के पहले फेज में केकेआर को हराया था और उसे दोबारा केकेआर को हराने का भरोसा है। राजस्थान की टीम अपने आखिरी मैच में केकेआर का गणित बिगाड़ सकती है। आरआर की अंतिम एकादश में डेविड मिलर की जगह लियाम लिविंगस्टोन को शामिल किया जा सकता है, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए बताते हैं। राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11, एविन लुइस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ग्लेन फिलिप्स, डेविड मिलर या लियाम लिविंगस्टोन, राहुल तेवतिया, श्रेयस गोपाल, कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान। दरअसल आईपीएल के 14वें सीजन के प्लेऑफ की रेस में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सबसे आगे है, क्योंकि तीन टीमों ने पहले ही प्लेऑफ में जगह बना ली है। अगर कोलकाता की टीम आज का मैच जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है जीत जाती है तो फिर आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि टीम का नेट रन रेट बेहतर है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स टीम केकेआर का खेल खराब कर सकती है। ऐसे में यह मैच काफ़ी दिलचस्प होने वाला है।